सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी खींची हुई है और पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुकी है। सत्ता जाने के बाद जिस तरह से मछली बिना पानी के तड़पती है, अखिलेश यादव भी तड़प रहे हैं। समाजवादी पार्टी खींची हुई है, डिरेल्ड है। सत्ता जाने से जिस प्रकार मछली बगैर पानी की तड़पती, उस तड़प रहे हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लिए उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है, हर स्थिति में उसको हम पूरा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा है कि प्रदेश सरकार यूपी के सभी लोगों के लिए उच्च कोटि की स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा है लोगों के स्वास्थ्य के बेहतर के लिए सरकार बखूबी काम कर रही है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और उनके मना कर दिया कि नहीं लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर बीजेपी दर्ज करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हो जन जन तक पहुंच रही हैं। उत्तर प्रदेश में आज अपराधी डरे हुए हैं, कानून का राज कायम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं।